Hello everyone, this is Aprajita from Vidyarthi.in and let's continue our last topic of your chapter number 5, Judiciary from your book Civics. So, चलिए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं. Does everyone have access to courts? यानी कि क्या भारत के हर व्यक्ति को कोर्ट में आने की इजाजत है, उधर जस्टिस प्राप्त करने की इजाजत है? जी हाँ, आज के वक्त पे तो है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था जरा वो देखते हैं. इन अर्ली टाइम्स नॉट एवरीवन कैन एक्सेस टू कोर्ट फॉर जस्टिस. भाई पहले के वक्त पे जस्टिस वाज डिनाइड, यानी कि जितने भी गरीब लोग होते थे, इनोसेंट लोग होते थे, जिनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ज्यादा वो जानते नहीं थे, उनको जस्टिस मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था. आज के टाइम पे भी आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं गलत जगह फंस जाते हैं और वो लोग जस्टिस लेने के लिए कोर्ट में जाने से आज भी कतराते हैं, उन्हें डर लगता है. तो इसी को ईजी कर देने के लिए, यानी कि जस्टिस सब तक पहुंचे, उसके लिए एक नई चीज निकाली गई जिसे कहा जाता है PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो अभी से ही नहीं 1980 से चला आ रहा है. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. चलिए देखते हैं क्या होता है ये. पुअर पीपल एंड दोज हु कैन नॉट रीड कैन इजीली गेट जस्टिस फ्रॉम कोर्ट बाय जस्ट सेंडिंग अ लेटर और अ टेलीग्राम. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि भाई जितने भी हमारे गरीब लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, आप एग्रीकल्चर लेबर ले लीजिए, जो काम काज करते हैं माइनिंग में, भाई वो लोग थोड़े गरीब लोग होते हैं, उनको एजुकेशन में इतना उनका दिमाग नहीं होता है, वो इतना कुछ ये जो पूरा मॉडर्न सिस्टम है सब में वो इतना इन्वॉल्व नहीं रहते हैं. सो अगर उन्हें जस्टिस चाहिए होगी तो भाई कैसे करके लेंगे वो. सो PIL में क्या होता है ना, आप कोर्ट में जाइए. समझ लीजिए मैं थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं बिल्कुल थोड़े गरीब घर से हूँ, तो मैं PIL दर्ज करूंगी, यानी कि मैं किसी वकील के पास जाऊंगी और उससे बोलूंगी कि मेरा PIL लिख दीजिए, यानी कि मेरा एक छोटा सा टेलीग्राम या लेटर बना दीजिए. और वो लेटर किसके पास जाएगा, डायरेक्ट कोर्ट के पास जाएगा और मेरा केस वहां लड़ा जाएगा. सो जस्ट यही करना है, एक टेलीग्राम या फिर एक लेटर एक वकील के हाथ दर्ज करा दीजिए एंड आपका केस स्टार्ट हो जाएगा. सो यहीं से जस्टिस काफी ज्यादा इजी हो गया था गरीब लोगों के लिए ग्रैब ऑन करने के लिए. ठीक है, सेंडिंग अ लेटर, लेटर से आप भेजिए एंड देन आपका केस स्टार्ट हो जाएगा कोर्ट के अंदर. फिर क्या बताया है, फिर बताया है कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए स्लम ड्वेलर्स और मिड डे मील्स. क्या आपको पता है कि मिड डे मील का स्कूल एक स्कूल था जहां पे मिड डे मील का रूटीन चलाना था, तो सिर्फ एक PIL देकर ही वहां पे मिड डे मील का ये स्टार्ट हुआ था, आपको पता है. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. एक स्कूल था, काफी गरीब स्कूल था एक, तो मिड डे मील की प्रक्रिया वहां पे स्टार्ट करनी थी, तो वहां के प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने एक टेलीग्राम एक लेटर भेजा डायरेक्ट कोर्ट को एंड वहां से उनके लिए दर्ज कर दिया कि उनके लिए आर्टिकल 21 आप जानते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट टू फूड. राइट टू फूड के मद्देनजर मिड डे मील की प्रक्रिया इन विद्यालयों में स्टार्ट करी गई, एक जस्ट विद ओनली अ PIL. ठीक है, और फिर क्या बताया स्लम ड्वेलर्स. अब इसकी भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ. ओल्गा टेलिस एक महिला थी जिन्होंने किसके लिए, उनके लिए फाइट करा था जो झुग्गियों में रहते हैं, पेवमेंट स्लम ड्वेलर्स या स्लम में रहते हैं, उनके लिए उन्होंने लड़ाई करी थी. अब आप जानते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बिल्डिंग्स बनाती है, रोड्स का सब कुछ देखती है, सो उन्होंने बोला था कि भाई सारी झुग्गियों को हटा देंगे, रोड बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या बनाएंगे. सो ओल्गा टेलिस ने बोला था भाई कितने लाखों लोग हैं जो झुग्गियों में रहते हैं, जो स्लम्स छोटे छोटे घर बना के रहते हैं, और आप उनका अगर घर तोड़ देंगे तो कैसे चलेगा. सो उन लाखों लोगों के लिए ओल्गा टेलिस ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लड़ाई करी थी एंड PIL दर्ज करी थी. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जो हमारा जो पब्लिक है, जनता जनता के लिए लिटिगेशन दर्ज करी थी और उसमें वो विजयी हुई थी. ठीक है, सो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए कि भाई PIL से कैसे जस्टिस मिला उन लोगों को जिनको नहीं मिल सकता था. ठीक है, सो इसी के साथ Does everyone has access to court? Yes, सबको कोर्ट में एक्सेस है जस्टिस पाने का, गरीब से लेके अमीर तक सबको है, और सारे के सारे लोगों के लिए जस्टिस सिर्फ एक ही रहेगा, इक्वालिटी रहेगी, साथ ही साथ सबको कानून के मुताबिक क्या मिलेगा,
जस्टिस मिलेगा। इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप eVidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए, आपको MCQ, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब कुछ वहां उपलब्ध मिलेंगे। डू चेक इट आउट बिकॉज इट्स टोटली फ्री, ठीक है। और एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर जो आपके जुडिशियरी के चैप्टर से है वो भी हम देखेंगे जरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।